अस्सलामु अलैकुम। ट्रांसलेटेड इंजीनियरिंग में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, ये चलते हुए छोटे माइक्रो रोबोट इंसानों के भेजे हुए सिग्नल से कंट्रोल किए जाते हैं। इस पियोनीर का एक नैनो स्टेप के लिए एक जायंट लीप तैयार किया गया है। इटाई कॉलिन कॉर्नल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि माइक्रो रोबोट्स सर्जन के लिए बड़े ही मददगार साबित होंगे। ये जिस्म में उन जगह जाकर जरासीमों, वायरस और दीगर माइक्रो जानदारों को ढूंढकर उनसे लड़ेगा जो इंसानी जान के लिए ख़तरनाक हैं। इन सब के अलावा ये रोबोट्स कीमोटैक्सिस की भी सलाहियत रखते हैं। कीमोटैक्सिस से मुराद केमिकल्स की तरफ कशिश का होना या अट्रैक्शन टू केमिकल्स है। ये जिस्म के हार्मोन्स का लेवल भी बताएगा और ये भी बताएगा कि किसी इंसानी जान के लिए कौन सी मेडिसिन बेहतर है और मेडिसिन की मिकदार किस हद तक दी जानी चाहिए। और ये इस कदर छोटे हैं कि इनका साइज़ एक इंसानी बाल के ट्रांसवर्स सेक्शन के 100 माइक्रोमीटर के बराबर हैं। इन रोबोट्स का दिमाग इनके दरमियान में फिट किया गया है, मगर इसकी टांगे इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। इटाई कोहान कॉर्नल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि हमने प्लैटिनम की 7 नैनोमीटर की चादर को इनर्ट मेटल के साथ मिलाकर इसकी टांगों को तैयार किया। जब इन्हें वोल्टेज दिया जाता है तो इन रोबोट्स के अंदर मौजूद फ्लूड आयंस की मोशन इन्हें हरकत देने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा ये माइक्रो रोबोट्स केमिकल ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन के तहत हरकत करते हैं। इन हरकतों में क्रॉलिंग और वॉकिंग भी शामिल है। इटाई कोहान कहते हैं कि इन रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए मुस्तकबिल में कैंसर पेशेंट्स बड़े ही कामयाबी के साथ उनका इलाज किया जाएगा। ताहम माइक्रो रोबोट की इस दुनिया में ये इजाद सबसे अदना कामयाबी है। इंजीनियर्स का कहना है कि माइक्रो रोबोट्स की दुनिया में हमें मज़ीद इनकलाबी इस्लाहात लाने की ज़रूरत पड़ेगी। इंसान किस हद तक तरक्की करेगा इसका अंदाज़ा ना तो कोई लगा सकता है और ना ही आज हमारे पास इसका कोई जवाब मौजूद है। इटाई कोहान कॉर्नल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि मुस्तकबिल में हम HIV और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज भी कर सकेंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि इन माइक्रो रोबोट्स में इनहिबिशन की सलाहियतें भी मौजूद हैं जो कि HIV और दीगर वायरसेस की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकेगा। उनका कहना यह भी था कि मौजूदा वक्त में जो वायरल इन्फेक्शंस नाकाबिले इलाज हैं मुस्तकबिल में काबिले इलाज होंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।